उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वैसे मोटर में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, देवभूमि सपोर्ट्स माकौतिक फाउंडेशन द्वारा आयोजित 2023 T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल शुरू हो गए हैं और आज दो मैच हुए, जिसमें आज पहला प्री क्वार्टर मैच रुकिन उत्तराखंड और फ्यूचर अकेडमी के बीच खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए रुकिन उत्तराखंड ने निर्धारित 20 ओवर में नितिन बिस्ट की 65 रन की विस्फोटक पारी की बदौलत 214 रन बनाए। फ्यूचर अकेडमी उषा लक्ष्य के दबाव में बिखर गई और 125 रन पर ऑल आउट हो गई। रुकिन उत्तराखंड ने 90 रन से बड़ी जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। नितिन बिस्ट मैन ऑफ द मैच सुशांत नेगी अपनी 54 पारी की अतिशी पारी की बदौलत फाइटर ऑफ द मैच बने। दूसरा टूर्नामेंट भी काफी अच्छा रहा, जिसमें भेड़गांव यादगार क्लब और जय मां बुंगी देवी उत्तराखंड के बीच खेला गया। जय मां बुंगी देवी की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी धीमी बल्लेबाजी के कारण केवल 116 रन नॉन विकेट पे बनाए और 117 रन का आसान लक्ष्य को भेड़गांव यादगार क्लब ने 3 विकेट खोकर आसानी से जीत हासिल कर दी और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अविनाश मैन ऑफ द मैच और ऋषि रावत फाइटर ऑफ द मैच घोषित किए गए। आज यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर तिलोमणि भट्ट और एडवोकेट जगदीश बिष्ट यहाँ पर रहे। साथ ही उत्तराखंड के बिजनेसमैन नवीन भट्ट और उत्तराखंड समाज के प्रमुख समाजसेवी हरीश भट्ट भी यहाँ पर पहुंचे और साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के सचिव संदीप शर्मा भी यहाँ पर उपस्थित थे। दिल्ली के बिजनेसमैन ब्रिजमोहन उप्रेती भी यहाँ पर मैच का लुत्फ उठाने पहुंचे। देखिए यहाँ से हमारी रिपोर्ट। आज मुकाबला आज टूर्नामेंट का सेकंड क्वार्टर फाइनल मां बुंगी देवी और ऋषि रावत भेड़गांव के बीच खेला जा रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इन पार्टिसिपेट करने वाली दोनों टीमों का। आप देख सकते हैं कि अभी ग्राउंड में बहुत अच्छा लग रहा है हमें आज इस टूर्नामेंट में। देवभूमि स्पोर्ट्स महाकौतिक फाउंडेशन इन सबका बहुत बहुत आभार करता हूं। और मैं भी वॉइस ऑफ माउंटेन की तरफ से इन लोगों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि ये लोग आज निरंतर हमारे साथ 4 साल से टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 160 रन 120 जो कि काफी आक्रामक रूप अपनाते हुए अच्छी बल्लेबाजी उनके द्वारा देखने को मिल रही है। लगातार बल्लेबाजी करते हुए जितनी तारीफ की जाए नितिन की उतनी कम। 19 गेंदों का सामना किया हुआ और 48 रन के व्यक्तिगत स्तर पर बल्लेबाजी करते हुए नितिन भी काफी कसम का मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के बीच। छोड़ दीजिए। ओके बोलिए सर। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है मैच यहाँ आने पे। देवभूमि स्पोर्ट्स महाकौतिक फाउंडेशन, सबसे बड़ी बात ये कि जो मेरे को सबसे अच्छा लगा कि हमारे पहाड़ के गाढ़ गधेरों में प्रतिभा बहुत है लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती है जिससे कि वो यहाँ तक पहुँच सके। लेकिन इस माध्यम से मेरे को ये महसूस हो रहा है कि वहाँ जो लोग हैं, बच्चे हैं, अगर हम स्पेशली एजुकेशन है, हेल्थ है, स्पोर्ट्स में भी अगर हम बात करें तो छोटे छोटे लेवल पे वहाँ पर जो है स्क्रीनिंग उनकी हो सकती है। उसके बाद में स्क्रीनिंग होने के बाद में उनको ये प्लेटफॉर्म मिल सकता है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो राष्ट्रीय लेवल पे, नेशनल लेवल पर क्रिकेट में, नॉट ओनली क्रिकेट, अदर स्पोर्ट्स में भी वो कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स प्रतिभा जो कि हमारे उत्तराखंड में जिनको अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ठीक है। वाकई में बहुत तन मन धन से आपके साथ जुड़े हैं और हमेशा कह सकते हैं कि इनके जो मुहिम चालू की है, अब दिल्ली एनसीआर की ज्यादा से ज्यादा संस्थाएं भी जुड़ेंगी और वो भी इस तरह के कार्यक्रम करेंगी। बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि इस तरह से सारे लोग हमारे उत्तराखंड के जितने चाहे ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोई पर्सनल तौर पर, और हम एक दूसरे के साथ दें और सहयोग करें और हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हमारे उत्तराखंड का नाम ऊंचा करें। ठीक है, कम कर दो थोड़ा। सर, देवभूमि स्पोर्ट्स महाकौथिक फाउंडेशन निरंतर लगातार जो है युवाओं को मंच दे रहा है, उत्तराखंड की प्रतिभाओं को और उनके हुनर को निखार रहा है और क्रिकेट के माध्यम से जो है उनको मंच दे रहा है। क्या लगता है इस तरह के प्रयास कितने जरूरी हैं आज के समय? देखिए, पहले तो मैं देवभूमि का धन्यवाद करता हूँ, उन्हें हमने बुलाया, सम्मान दिया
इन प्रयासों से जो आने वाले बच्चे हैं, खासकर गांव के जो बच्चे हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है और आगे आने का मौका मिलता है। और मैं दिल से तारीफ करता हूँ भंडारी जी की, इनकी पूरी टीम की तारीफ करता हूँ कि हम लोग तो एक दिन का कार्यक्रम कराते हैं, उसमें हमें इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, पर ये लोग तो लगातार 2 महीने तक जिस तरह से कार्यक्रम करते हैं, इतनी टीमों को लीग करवाना, लीग के बाद फिर सुपर लीग करवाना, फिर क्वार्टर फाइनल कराना और आखिरी तक ले जाना, ये इनके लिए बहुत मतलब तारीफ़ काबिल काम है। और हमारे से जितनी भी कोशिश होगी, हम इन लोगों के साथ खड़े हैं मजबूती से हर चीज़ से। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान पे आशीर्वाद रखे कि इतने बिजी शेड्यूल के अंदर इतनी मुश्किल से ये टूर्नामेंट को कराना एक बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब हम 1 या 2 दिन के कार्यक्रम कराते हैं तो कितनी कठिनाइयों का सामना होता है, परमिशन का, फंड का, टीमों का लाने का। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि देवभूमि अगली बार जब कार्यक्रम कराए इससे और बड़े कार्यक्रम में के रूप में कार्यक्रम। ठीक है, ठीक है। तो बीजी कैसे लग रहा है? अरे बहुत बढ़िया, कड़ी चावल में मजा आ रहा है और मूली बढ़िया हो गई। और मैं मुरादाबाद से, हमारे बीजी जो कि हर संडे को हमारे साथ उपस्थित होते हैं यहाँ पे और अपना आशीर्वाद हमेशा उन्होंने रखा हुआ है हमारे साथ, जो ये 4th नॉकआउट टूर्नामेंट चल रहा है हमारा, उसमें 3 साल से हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए कि बीजी ने हमारे साथ तन मन धन से और अपने आशीर्वाद जो पूरे दिल्ली NCR में जितने भी हमारे खेलने वाले बच्चे हैं उनको आशीर्वाद देते हैं और पूरा सहयोग सपोर्ट उनका रहता है हमारे साथ। अरे आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। ये भाभी जी हमारी कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, हम तो बोले कड़ी पतली है, बोले टाइट बनाओ अगली बार। आप कुछ तो बोलो, टूर्नामेंट चल रहा है कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम भी आए खेलने के लिए, हमारे ऐसे नहीं हो पाए कि हाँ। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। जावा,